कोलकाता के खिलाफ राजस्थान की बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बवाल। राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई के लिए खुशखबरी, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं प्लेऑफ की रेस में नए समीकरण लेकर आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। पॉइंट्स टेबल की ये दोनों टॉपर टीम थी और लड़ाई सीधे प्लेऑफ के लिए हो रही थी। एक पहले पायदान पर था तो दूसरे दूसरे पायदान पर था, और जब टॉपर की लड़ाई होती है तो क्लास बहुत बड़ा देखने को मिलता है, और जैसा कि आपने इस मुकाबले में भी देखा। लेकिन आखिरकार राजस्थान रॉयल को एक बहुत बड़ी जीत नसीब होती है, और कोलकाता को हराना राजस्थान के लिए इतना आसान भी नहीं था। लेकिन राजस्थान रॉयल की जीत से प्लेऑफ की रेस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन राजस्थान की जीत ने कैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद की नींद उड़ाई है। यहां से कौन सी टीमें अब प्लेऑफ में जगह पक्की करने को है, कौन सी बाहर होने को है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे, हम आपको सारी समीकरण बताएंगे इस मुकाबले के बाद, प्लेऑफ के पूरे हाल समझाएंगे। समझते हैं प्लेऑफ के पूरे समीकरण, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपकी वो फेवरेट टीम जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, आप पसंद करते हैं उसे सबसे ज्यादा, आपकी फेवरेट टीम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस एक खास रिपोर्ट में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 7 मुकाबले खेले हैं, केवल एक मुकाबला जीता है और 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एकमात्र टीम जिन्होंने अपने 7 मुकाबले खेल लिए और केवल एक जीत मिली है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए शुरुआत में ही बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं, और 7 में से 7 मुकाबले जीतकर ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। ऊपर से इनका अगला मुकाबला कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है, तो डिफिकल्टीज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली कैपिटल का भी नजर आता है, पॉइंट्स टेबल के 9 पोजीशन की टीम का। जी हाँ, ये टीम भी 6 मुकाबले खेल चुकी है और उसमें से केवल 2 मुकाबले जीती है, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 9 पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला लखनऊ से जरूर जीते, लेकिन इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 मुकाबले अभी भी खेलने हैं, और 8 में से 6 मुकाबले अगर ये टीम जीतती है तो ही प्लेऑफ में जगह बनाएगी। 8 में से 6 जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है, तो फिर दिल्ली कैपिटल भी पॉइंट्स टेबल के रेड जोन में आते हैं। ऐसे ही हालात मुंबई इंडियंस का भी है। दरअसल इन्होंने भी 6 मुकाबले खेले हैं और केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, और 4 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला चेन्नई से हारे, उससे पहले लगातार 2 जीते थे दिल्ली और बेंगलुरु के खिलाफ, लेकिन उससे पहले 3 हार गए थे। तो मुंबई भी उस रेड जोन में ही है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम को अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से 6 मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीतने होंगे। अब चाहे मुंबई हो या दिल्ली हो, मुश्किल होते हैं 8 में से 6 जीतना, इसलिए कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस भी उस प्लेऑफ की रेस की रेड जोन में ही फिलहाल नजर आती है। और ऐसा ही हालात पंजाब किंग्स का नजर आता है। 6 मुकाबले पंजाब ने खेले हैं, केवल 2 जीते हैं, 4 हारे हैं, पिछले लगातार 2 हारे हैं, उसे 4 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के उस 7वें पायदान पर बने हुए हैं। पॉइंट्स टेबल के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतते हैं तो ही प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, चाहे डीसी हो, चाहे फिर एमआई हो या फिर पंजाब किंग्स, 8 में से 6 जीतना काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए पंजाब किंग्स भी पॉइंट्स टेबल के उस रेड जोन में नज़र आते हैं। और पंजाब की दिक्कतें वैसे भी बढ़ जाती है क्योंकि उनका अगला मुकाबला मुंबई से है, फिर कोलकाता से है, फिर चेन्नई से 2 बार हैं, तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाती है। राजस्थान से भी है, हैदराबाद से भी है, तो पंजाब का रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो पॉइंट्स टेबल की नीचे की 4 टीमें रेड जोन में आती हैं, जहां इनके लिए रास्ता बहुत दुर्लभ हो गया है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, केवल 3 मुकाबले जीते हैं और 3 ही हारे हैं, और 6 पॉइंट के साथ में ये 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ जरूर जीता था, लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनका रास्ता मिडिल फेज में नजर आता है। दरअसल ऐसा इसलिए कह सकते हैं ना क्योंकि 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीतने हैं। अब गुजरात जिस तरह की फिलहाल बैटिंग कर रही है, गेंदबाजी अच्छी है, शुभमन गिल कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये टीम वैसा कर सकते हैं, 8 में से 5 जीत भी सकते हैं और मे बी कि नॉट,
तो फिर ये टीम उस मिडल फेज में नजर आती है। ऐसे हालात तो पांचवें पायदान की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के भी नजर आते हैं। इन्होंने भी तो 6 मुकाबले खेले, 3 हारे 3 जीते, 6 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के पांचवें पायदान पर बने हुए हैं और ये भी मिडल फेज में ही नजर आते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इस टीम को भी 8 मुकाबले खेलने हैं, उसमें से 5 मुकाबले जीतने होंगे, अब 8 में से 5 जीतना किसी भी टीम के लिए, हमने पहले ही कहा, बहुत आसान बहुत मुश्किल तो होता नहीं है, लेकिन ये टीम मिडल फेज में नजर आती है। लेकिन इस टीम की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इनके अगले दोनों मुकाबले चेन्नई से हैं, उसके बाद राजस्थान से है, फिर मुंबई से है, फिर कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है, फिर मुंबई से है, तो वहाँ डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी क्योंकि इनके सारे मुकाबले बड़ी बड़ी टीमों से हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी टीमें टकराने वाली हैं, तो वहाँ रास्ता इनका बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए गुजरात और लखनऊ सुपर जायंट्स मिडिल फेज में नजर आते हैं। लेकिन अब पॉइंट्स टेबल की वो टीम है जो प्लेऑफ की रेस में काफी आगे है, उसमें चौथे पायदान पर सनराइजर हैदराबाद का नाम आता है। 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर बने हुए हैदराबाद जब किसी को हराते हैं ना तो बड़े मार्जिन से हराते हैं। चेन्नई को हराया, मुंबई को हराया, हाल ही में बेंगलुरु को हराया, इन सब के बीच में ये प्लेऑफ की रेस में काफी आगे आ चुके हैं और ग्रीन जोन में आ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 मुकाबले अभी भी इनको खेलने हैं और 8 में से ये टीम अगर जे 4 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी। 8 में से 4 जीतना किसी भी टीम के लिए आसान होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये टीम उस ग्रीन जोन में नजर आती है। और वैसे भी इनका अगला मुकाबला दिल्ली से है, फिर बेंगलुरु से है, तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज इनको आने वाली है नहीं, यहाँ के ये समीकरण कह रहे हैं। तो सनराइजर हैदराबाद बहुत शानदार कर रहे हैं और इनके लिए प्लेऑफ के बहुत शानदार समीकरण भी बन रहे हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही कमाल का खेल दिखाया, 6 में से 4 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे, 8 पॉइंट के साथ में और नेट रेट अच्छी होने की वजह से तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। पिछले दोनों मुकाबले चाहे कोलकाता हो चाहे मुंबई हो, दोनों बड़ी टीमों का हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी जगह ऊपर पक्की करी है। अच्छा, इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने होंगे, लेकिन अगले दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स से हैं, तो यहां पर आसान रास्ता इनके लिए बन जाएगा क्योंकि चेन्नई काफी हद तक स्ट्रांग टीम नजर आती है। तो कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ की रेस में खुद को ग्रीन जोन में पा रहे हैं। बचे हुए 8 में से 4 जीतना चेन्नई के लिए रास्ता काफी आसान नजर आता है, इसीलिए ये टीम उस ग्रीन जोन में है। तो जी हां, इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 8 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर बने हुए हैं क्योंकि इनकी नेट रन रेट बाकी टीमों से अच्छी है, इसलिए 8 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान से मिली करारी हार के बावजूद भी ज्यादा दिक्कतें होनी नहीं चाहिए क्योंकि शुरुआत में ही ये 4 मुकाबले जीत चुके हैं और जब आप 4 मुकाबले जीत जाते हैं तो उस रेस में खुद को काफी आगे पाते हैं। दरअसल कोलकाता को अब भी 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से 4 मुकाबले भी ये जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित करेंगे। अब 8 में से 4 जीतना कोलकाता नाइट राइडर जैसी खतरनाक टीम के लिए कोई मुश्किल तो है नहीं। हालांकि राजस्थान के खिलाफ एक करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, लेकिन ये टीम अच्छी है, इनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, इनकी गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है, तो कोलकाता आप प्लेऑफ की रेस में अभी भी काफी आगे हैं। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 7 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं, 1 ही मुकाबले में करारी शिकस्त झेली है और 12 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर बनी हुई है। नेट रन रेट भी इनकी काफी शानदार है। राजस्थान रॉयल को कोलकाता से मिली एक बहुत बड़ी जीत के बाद प्लेऑफ में इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल अब इनकी जगह प्लेऑफ में पक्की होती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम को अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से केवल 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो आप प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। अब 7 में से 2 जीतना राजस्थान रॉयल जैसी खतरनाक टीम के लिए आप नहीं कहेंगे कि कोई बड़ी मुश्किल होने वाली है, इसीलिए राजस्थान रॉयल उस रेस में खुद को बहुत आगे पा रहे हैं। 7 में से 2 जीतना राजस्थान के लिए हलवा है। कोलकाता नाइट राइडर भी बहुत आगे है और चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर हैदराबाद भी इस रेस में काफ़ी आगे हैं, या यूं कहें तो ग्रीन जोन में हैं। लेकिन पंजाब, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। खैर, आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में बनाएगी जगह?